इसके नीचे टंडो। आपने ट्यूब वाला क्यों नहीं एक्टिविटी करी? यार बहुत लगा मेरे को यार। Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं हूँ मनाली में और ये हमारी फर्स्ट मॉर्निंग है मनाली की। और आप पीछे देख रहे होंगे बर्फ भी दिख रही होगी। ये कल रात को जो स्नोफॉल हुआ है उसकी जो बर्फ़ की चादर बिछी हुई है अभी यहाँ पे। और अभी टेम्परेचर है 4 डिग्री, लेकिन धूप प्रॉपर खुली हुई है। और ये पीछे हमारा है स्टे पॉइंट, एप्पल फार्म होम स्टे। अभी आपको लेके चलते हैं अंदर की ओर। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हम कल दिल्ली से चले हैं बस से, वोल्वो बस करी थी। हम 6 लोग आए हैं इस ट्रिप पे, तो दिल्ली से मनाली बाय बस, वोल्वो बस से आए हैं। तो पूरा टूर था जो नाइट में था, इसीलिए हम कुछ कवर नहीं कर पाए ज़्यादा कुछ। बस मॉर्निंग में जैसे ही मनाली पहुँचे हैं तब थोड़ा अंधेरा कम हुआ है, तब हमने कुछ वीडियोज़ बनाए, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। बाकी हमारे रास्ते की जर्नी कम ही है इस वीडियो में। तो चलिए अभी मैं आपको अपने एप्पल फार्म होम स्टे के अंदर लेके चलता हूँ। ये देखिए साइड व्यू, जो हमारे स्टे पॉइंट है, मतलब जो हमारे रूम्स जहाँ पर हैं उसके आसपास का जो व्यू है वो इस तरीके से। और ये है हमारी स्टे पॉइंट एप्पल फार्म होम स्टे, जो कि एक विलेज पड़ता है सनाग। 6 लोग हैं तो हमने 2 रूम बुक किए हैं। और जो स्टे का प्राइस है वो है 1000 पर नाइट स्टे। तो हमने 3 दिन के लिए बुक किया है, तो 3000 पर पर्सन आएगा यहाँ पे स्टे का। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये हमारा ये जो होटल है, यहाँ 3 दिन के लिए बुकिंग है। और उसके अलावा फिर हम 3 दिन यहीं आसपास मनाली पूरा विज़िट करेंगे। कसौल, सोलांग वैली, रोहतांग भी जा सकते हैं अगर टनल ओपन हुई, वहाँ का रास्ता खुला हुआ। तो अभी हम यहाँ पर जहाँ से जैसे ही हम बस से उतरे थे वहीं पर ही बाइक स्कूटी रेंट पे मिलती है, तो हमने वहाँ से 3 स्कूटी रेंट पे ली हैं। यहाँ पे ये वाली स्कूटी चलती है, तो इसको लेके हम आए हैं यहाँ पे, और अब इन्हीं पे ही हम जाएंगे अपने सोलांग वैली। और ये गाइस आप देख रहे हो अभी जो ये पेड़, जितने भी आप देख रहे हो ये सारे एप्पल के पेड़ है, तो ये सर्दियों के मौसम में बर्फबारी की वजह से सूख जाते हैं और जितने भी पत्ते हैं सब झड़ जाते हैं। सिर्फ आपको तने तने दिख रहे होंगे, लकड़ियाँ ओनली। तो ये सारे एप्पल के पेड़ हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये हमारा रूम अभी तो नीट एंड क्लीन है, बढ़िया रूम है। जय हिंद जय हिंद। आज झंडा अभी देखेंगे, आज 26 जनवरी है तो एक तिरंगा भी लेना पड़ेगा। तिरंगा भी लेना पड़ेगा। और ये हमारी बालकनी। बालकनी से व्यू भी अच्छा आ रहा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं। तो स्कूटी का चार्जेस थे हमारे 600 पर स्कूटी एक दिन का। सिक्योरिटी अमाउंट की वजह से हमने 1000 जमा कराए उनको, और उनको एक फॉर्म भर के देना होता है। फॉर्म वही देते हैं, उसमें उनको लाइसेंस नंबर देना होता है और आधार कार्ड जमा कराना होता है। तो ये फ़िलहाल अभी तो हमने एक दिन का लिया है, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट एक्सटेंड करा लेंगे। ये 1-2 दिन से यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, ये उसी की चादर बिछी हुई है। सोलांग वैली के लिए हम निकल चुके हैं अपनी स्कूटियाँ लेके, और अभी जाने से पहले एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये जी मैगी खा रहे हैं, ये हमें ब्रेकफास्ट पॉइंट मिला है, तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं फिर उसके बाद निकलेंगे। और अभी आपको यहाँ पर ट्रैफिक दिखाते हैं सोलांग वैली के लिए, मनाली में इस वक्त क्या सिचुएशन है। पूरा ट्रैफिक है अभी, कुछ कुछ गाड़ियाँ करके आगे जाने देते हैं ताकि आगे जाम ना लगे। तो अभी सोलांग वैली से हम जस्ट 1 किलोमीटर दूर हैं, पहुंचने ही वाले हैं सोलांग वैली। और यहाँ पे खूब बर्फ़ मिल रही है जो 1-2 दिन पहले की है।
तो गाइस यस हम सोलांग वैली पहुंच चुके हैं और अपने कॉस्ट्यूम ले लिया है और फुल मस्ती के साथ सारे जोकर इंजॉयमेंट हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और ये दीपक जी हमको दिख नहीं रहे कहीं, नहीं तो हम ये गोला मारने वाले थे। अंदर घुस गया यार, अंदर घुस गया। टोपा पहन लो ना, तो ये वाला टोपा पहन लो, कमर से नीचे मारना आपने, कमर के ऊपर नहीं। अरे सर रुक जा, टोपा पहन लो, ये वाला गीला हो जाएगा, इस वाले क्या को भरना। और है ना सिर से नीचे मारो ये, ताकि इन कपड़ों पे लगे। अरे क्या कर रहे हो, बर्फ पिघल जाएगी सारी। फुल मस्ती, फुल एंजॉयमेंट। ये क्या हो गया, नाम का ऊपर उतारो क्यों से। अबे ये क्या हो रहा है, आ जाओ सर रोड में, आओ रोड में। जो हमने कॉस्ट्यूम पहना है ये, और इसके साथ है शूज, ये है 250 रुपए पर हैंड इसका रेंट। तो ये काफी मदद करेंगे बर्फ में, कपड़े बचाएंगे, जूते बचाएंगे। कितनी ऊपर है, कितनी ऊपर है? बस ये रोड रोड से ऊपर है। चलो सर ये लास्ट ना शॉर्टकट बिना के आगे चल के जा रहा है। हाँ भालू पे कोई फर्क नहीं पड़ते हुए। मंत्री आएगा थोड़ी देर में, फिर चालू हो जाएगा। और जो आगे वो बड़ा पार्टनर है वो है फ्रेंडशिप में, इसके नीचे लेकिन हाँ पहाड़ के ऊपर रहेगा ना टांग, जैसे आगे टांग ना उत्तर में वो टांग ऊपर ही रह गया, टांग के नीचे से टंडल घुस गया, खुली है सर टंडल। जो भी यहाँ के जाएगा ना आदमी उनके लिए खुला है, सिर्फ टूरिस्ट के लिए बंद इसलिए है, बर्फ आता है अपना जगह जगह, आपको पता नहीं होगा कहाँ से आएगा अवलांच, कहाँ गिरेगा वो नहीं होता ना पता टूरिस्ट को, तब जाके कुछ दिनों के लिए जैसे बर्फ थोड़ा पिघलेगा टनल चालू, फिर आम आदमी के लिए। चलो आओ भाई जी आओ। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम अभी ट्यूब पे जा रहे हैं, ट्यूब पे जाने वाले हैं, ट्यूब पंचर तो नहीं हो रही। उसने क्लियर बोल दिया है कि विजय सर को सबसे लास्ट में लेके जाएगा, मिशन ट्यूब, मिशन ट्यूब पे जा रहे हैं हम। ये तो वही एकदम से जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्यों जा रहा है वापस। चलो पूजा वीडियो अभी ट्यूब पे तो हमने एक्टिविटी कर ली है, खूब मजे आए। हमारी जो एक्टिविटी है 500 रुपये में दोनों एक्टिविटी है कम्बाइंड, ट्यूब भी और स्कीइंग भी। अब स्कीइंग का नंबर है यहाँ पे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको।
विजय जी आपने ट्यूब वाला क्यों नहीं एक्टिविटी करी? यार डर बहुत लगा मेरे को यार, उतरने में भी डर लग रहा था सीढ़ियों से। हाँ, सीढ़ियों से उतरने में स्लिप होने के बहुत चांस थे। एक बार तो मैं स्लिप हो भी गया, लेकिन फिर बाद में एक भैया ने मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट किया। अच्छा हुआ कि उन्होंने सपोर्ट कर दिया। इनका डरना लाजमी था, ब्लंडर हो गया है, हमने स्कीइंग करना कैंसिल कर दिया है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करता है। हम वहाँ से करेंगे उस वाली घाटी से बात कर रहे थे ना, तुम दौड़ के आएंगे ये करवा देगा, जिन दौड़ के आएगा करंट ले जाएगा। ये इनका पैसा ही तो इन्हीं का मिलता है, ये जेंट है भाई, इनको पैसा ये लेके आता है। अब उसको दी थी वाले को, तो इसको उसको दे देगा 1000 रुपये, 500 रुपये एक्टिविटीज जो हमें करनी थी हमने कर ली, ओनली एक एक्टिविटी ही करी है, बाकियों में हमको कुछ अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, इसलिए हमने नहीं करी। अब ऐसे ही बर्फ में कोई लेट रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई सो रहा है, जो मन आ रहा है वही कर रहा है। दीपक जी को देखिए क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं कुछ। सोलांग वैली से एक्टिविटीज़ और कंप्लीट सब कुछ करके जा रहे हैं वापस। अब थक चुके हैं, सोलांग वैली में जो कुछ करना था कर चुके हैं, थक चुके हैं, अब जा रहे हैं वापस। तो यहाँ पे हमने 250-250 रुपये में बस ट्यूब वाली एक्टिविटी करी थी, इसकी हमने कैंसिल कर दी। हमको तो बोला गया था 500 रुपये में दोनों करा देंगे, लेकिन हमने एक ही करी, तो उसके हिसाब से 250 रुपये पर हेड हमने उनको पैसे दे दिए। 4:15 बज रहे हैं, धूप लगभग जा चुकी है, अब शाम होने वाली है और बादल बनने वाले हैं, ठंड थोड़ी महसूस हो रही है। इसके बाद हो सकता है बारिश या बोल कुछ हो जाए। तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, हाई पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, स्कीइंग भी है, स्केटिंग भी है, सब कुछ है। सबकी एक्टिविटीज़ के अलग अलग प्राइजेज है, तो जो हमें करनी थी तो हमने उसका डिस्कस भी नहीं किया। पहले 2 की बात हुई थी लेकिन वो हमने एक स्किप कर दी, क्योंकि वो हमको प्लेन सर्विस पे बोल रहे थे कि आप यहाँ पे कर लो इसकी, लेकिन वहाँ पे कर नहीं थी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्या हो गया? हुआ तो कुछ नहीं, पर नहीं वो ले लेंगे। अरे ऐसे मत लिया करो पैरा पेन किलर वगैरह। दूसरी चुट रही क्या? हाँ जुकाम तो हो ही गया। अच्छा जुकाम तो पहले ही जुकाम तो। अरे जबरदस्ती गोलियाँ मत खाया करो इतनी, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा गोलियाँ खाओगे नुकसान करती है पेन किलर।